राज्यसभा सभ्युलु सीनियर मोस्ट नायकुलु राम गोपाल यादव गारु प्रियांका चतुर्वेदी गारु नदीमुल हक गारु विजय हांडे गारु नलुगुरु कूडा सभनु उद्देशिंचि मात्लाडतारु मीरु कोंचेम आलकिंचि वाळ्ळ प्रसंगान्नि विनाल्सिंदिगा नेनु रिक्वेस्ट चेस्ता उन्नानु ఈ యొక్క వేదికపైన ఒక నాయకులు మీడియా వాళ్ళు మాత్రమే ఉండాలి మిగతా వాళ్ళని ఎంపీలు మాత్రమే ఉండాలి మిగతా వాళ్ళని వేదిక క్లియర్ చేయాల్సిందిగా నేను అభ్యర్థిస్తా ఉన్నాను ప్లీజ్ కొంచెం మీరు గాని వేదిక గాని దిగితే అందరూ కూడా మిగతా వాళ్ళు వేదిక కింద ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆలకించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ప్లీజ్ ప్లీజ్ మీడియా వాళ్ళు ఎంపీలు మాత్రమే ఈ యొక్క వేదికపైన ఉండాలని నేను అభ్యర్థిస్తా ఉన్నాను జనసభకో సంబోధిత కరేంగే జనసభకో సంబోధిత కరేంగే ఆదరణీయ జగన్ మోహన్ జీ విజయసాయి రెడ్డి జీ प्रियंका जी और हमारे साथी अन्य एमपीगण यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों, जो वीडियोस अभी हम लोगों ने देखे हैं स्वतंत्र भारत में और डेमोक्रेटिक किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की घटना अकल्पनीय है। वी कांट इवन इमेजिन अबाउट सच इंसिडेंट्स। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर क्या कर रहे हैं, जब विधि के अनुसार शासन नहीं चल पा रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है, विरोध में जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज की ऑफिसेस को तोड़ा जा रहा है, संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं और गवर्नर कोई रिपोर्ट नहीं भेज रहा है। इस सरकार को टीडीपी गवर्नमेंट अभी 45-50 दिन हुए हैं, एक मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं है, अगर इतने सारे अपराधों के बावजूद वो बनी हुई है। मेरी तो यही मांग होगी कि केंद्र सरकार जो उसकी बैसाखियों पर है अपनी आँख खोले और आंध्र प्रदेश की सरकार को तत्काल बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रियंका जी। जगनमोहन रेड्डी जी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन आंध्र प्रदेश पोस्ट इलेक्शंस। विजय साई रेड्डी जी, थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग दिस अवेयरनेस, because Delhi usually is always disconnected to what's happening in the states, where democracy is being threatened, where constitution is being undermined, and where political violence takes precedence over political differences. Governments keep coming and going, sarkare aayengi jayengi, par is tarike ka rajnaitik hinsa kahin bhi kisi tarike se sahi nahi hai, aur hum sab iski kadi ninda karte hain. Aur Jagan ji, hum aapko ye assurance dete hain, जहां जहां संविधान खतरे में आएगा, जहां जहां प्रजातंत्र खतरे में आएगा, इंडिया अलायंस के सारे पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ेंगी। ये लड़ाई सिर्फ आंध्र प्रदेश की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ आपके पॉलिटिकल वर्कर्स की नहीं है, कहीं भी इस तरीके की हिंसा हो ये किसी भी देशवासी को कबूल नहीं है। हम सब आपके साथ हैं, आप ये लड़ाई लड़ते रहें और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द, लाइक राम गोपाल जी सेड, that the governor of Andhra Pradesh will take note and hopefully the Supreme Court will take suo motu cognizance of the kind of violence that we are facing in Andhra Pradesh. We stand firmly with the people of Andhra Pradesh and we will also continue to fight for the voice of Andhra Pradesh. Thank you so much. Jai Hind. Jagan Mohan Reddy ji, thank you so much for making us aware of what is happening in Andhra Pradesh post elections. Vijay Sai Reddy ji, thank you so much for creating this awareness, because Delhi usually is always disconnected to what's happening in the states, where democracy is being threatened, where constitution is being undermined, and where political violence takes precedence over political differences.
गवर्नमेंट्स कीप कमिंग एंड गोइंग, सरकारें आएंगी जाएंगी, पर इस तरीके का राजनीतिक हिंसा कहीं भी किसी तरीके से सही नहीं है और हम सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और जगन जी, हम आपको ये अश्योरेंस देते हैं, जहां जहां संविधान खतरे में आएगा, जहां जहां प्रजातंत्र खतरे में आएगा, इंडिया अलायंस के सारे पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ेंगी। ये लड़ाई सिर्फ आंध्र प्रदेश की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ आपके पॉलिटिकल वर्कर्स की नहीं है। कहीं भी इस तरीके की हिंसा हो, ये किसी भी देशवासी को कबूल नहीं है। हम सब आपके साथ हैं, आप ये लड़ाई लड़ते रहें और हम उम्मीद करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द, लाइक राम गोपाल जी सेड दैट द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश विल टेक नोट एंड होपफुली द सुप्रीम कोर्ट विल टेक सो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ द काइंड ऑफ वायलेंस that we are facing in Andhra Pradesh. We stand firmly with the people of Andhra Pradesh and we will also continue to fight for the voice of Andhra Pradesh. Thank you so much. Jai Hind. Thank you Priyanka ji, thank you. Abhi Trinamool Congress se Nadimul Haq ji sambodhit karenge. Jagan Mohan Reddy ji, Vijay Sai Reddy ji, और लीडर राम गोपाल जी एंड ऑफ कोर्स द फायरी लीडर विच फॉर यू फॉर विच ऑल ऑफ यू वर क्लैपिंग प्रियंका इज हियर। आई कम फ्रॉम बंगाल एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस ओवर देयर आल्सो। इन 34 इयर्स ऑफ लेफ्ट रूल वी हैड टू फेस 50,000 वर्कर्स वर किल्ड। बट व्हेन ममता जी केम टू पावर इन 2011 शी सेड we want change, we do not want revenge. So we want change, we do not want revenge. हम लोग को बदलाव चाहिए, बदला नहीं चाहिए, ये मोटो लेकर करके हम लोग वहां पर है। और आज इसी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से जब भी इलेक्शन होता है, छुटमुट तो होता है लेकिन कोई मेजर वायलेंस नहीं होता है। आई वॉज शॉक्ड टू सी ऑल दिस वीडियोज वेयर पीपल्स आर्म्स आर बींग कट ऑफ, वेयर हाउसेज आर बींग डेमोलिश, वेयर पीपल आर जस्ट बींग रैंडमली पिक्ड अप just for their political leanings. I condemn this incidents wholeheartedly and I urge the central government and the authorities to take suamoto action so that these things can be contained. My sympathies are with Mr. Reddy here and with the people of Andhra Pradesh. Thank you very much. Jharkhand Mukti Morcha se Vijay ji hamare samardhan baat karenge। विजय जी गान, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।